अगर आप इस दुनिया के धोखे से बचना चाहते हो, अब आपको उतना ध्यान वचन पर लगाना होगा जितना आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं लगाया। अगर आप बचना चाहते हो अब इस दुनिया में जहां अंधेरा बढ़ चुका है, आपको इतना ध्यान लगाना होगा जितना आपने कभी नहीं लगाया। यीशु मसीह बाइबल कहती है एक जगह अपने चेलों के साथ आ रहे थे, मिरेकल करके, बड़ा चमत्कार करके, लोगों को 5,000 लोगों को खाना खिला के, 5 रोटियां 2 मछलियां, 5,000 लोगों को यानी 5,000 बंदों को यानी 20,000 लोगों को खिला के आ रहे थे। तो बाइबल कहती 5,000 पुरुष थे और स्त्रियां और बच्चे भी थे। तो 20,000 लोगों को खिला के यीशु मसीह आ रहे और चेलों को बोला कि फरीसियों के खमीर से चौकस रहना। और चेलों का दिमाग अभी भी रोटी पे लगा हुआ था, कहते परमेश्वर हम तो रोटी नहीं लेके आए तो खमीर कहां से, चौकस कहां से रहेंगे। जबकि परमेश्वर ने उन्हें ये चौकस रहने के लिए क्या कहा था कि फरीसी जो कुछ बोलते हैं चौकस रहना, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है कि तुम्हें बड़ा ध्यान रखना होगा कि तुम क्या सुनते हो और तुम किससे सुनते हो। इसलिए अगर आपके पास परख का आत्मा नहीं है तो आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, आपका ध्यान भटक सकते हैं, शैतान उसका फायदा उठा सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। चौकस रहना वो क्या बोलते हैं, उनकी बातों का यकीन मत करना, क्योंकि अगर आप सबकी बातों को सुनेंगे आप मिस कर जाएंगे परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। क्योंकि शैतान यूज कर सकता है आपके करीबी लोगों को, वो यूज कर सकता है इन्फ्लुएंस वाले लोगों को, वो यूज कर सकता है हाई कुर्सी पे बैठे लोगों को, आपकी जिंदगी को भटकाने के लिए परमेश्वर के वचन से। क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर के वचन पर आप केवल अड़े और खड़े रह के, आप फोकस रख के, ध्यान लगा के ही खड़े और अड़े रह के रिजल्ट ले सकते, नहीं तो नहीं ले सकते। इसलिए यीशु मसीह को बड़ी चिंता थी कि तुम लोग क्या सुनते हो, क्योंकि जो चेले लोगों की बातें ज्यादा सुनते थे बाइबल कहती वो सारी दुष्टात्माएं नहीं निकाल पाए, पर पतरस, याकूब और यहूना वो सब काम कर सकते थे जो यीशु मसीह कर सकता था। चौकस रहो तुम क्या सुनते हो, यहां से जाने के बाद तुम्हारे दोस्त तुमको क्या बोलते हैं, तुम्हारी सहेलियां कैसी हैं, तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, तुम्हारे रिश्तेदार कैसे हैं, वो लोग तुमसे क्या कहते हैं, क्या वो ऐसी बातें बोलते हैं जो मत तुम्हारे विश्वास को कम करें। तो ध्यान रखो ये तुम्हें भटकाने के लिए। वो बूढ़ा नबी जब जवान नबी से मिला तो उसने कहा, उसको ऐसा दिखाया कि वो उसकी बहुत चिंता करता है, आया यार कुछ खा पी ले, देख तू कितना सूख गया, देख तू रास्ता बड़ा है, तू ऐसा लग रहा है, आजा कुछ खा ले, कोई बात नहीं, परमेश्वर ऐसा थोड़ी है, तूने उसका काम कर दिया ना, आजा आप खा पी ले थोड़ा सा। इमोशनल लोग आपको भटका सकते हैं। इसलिए बाइबल कहती जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा, पतरस मुझे क्रूस पे चढ़ाया जाएगा और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, ये लोग मुझे दुख देंगे और मैं मारा जाऊंगा और गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, पतरस कहता है हाउ परमेश्वर, और झिड़कने लगा। बाइबल कहती उसको झिड़के मारी यीशु मसीह को, बोलता है तेरे साथ कभी ऐसा ना हो। यीशु मसीह ने कहा शैतान हट जा मेरे सामने से, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का कारण। क्योंकि शैतान आपके पास आता है आपके करीबी लोगों में से ताकि आप अपने क्रूस को ना उठाएं, अपने आप का इनकार करना छोड़ दें, आप फास्टिंग करना छोड़ दें, आप बोना छोड़ दें, आप प्रार्थना करना छोड़ दें, आप खुदा को दिल में रखें। 2 घंटे 2.5 घंटे देने की रोज में क्या जरूरत है, कोई बात नहीं। मत्ती 24 उसकी 12 और 13 आयत में लिखा हुआ, बाइबल कहती अंत के दिनों में क्या होगा, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। यीशु मसीह ने कहा जब एंड डेज होंगे अधर्म बढ़ जाएगा और बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। पुराने टाइम में अगर किसी ने गंदा सीन देखना होता था तो जब वो लाइनें लगती थी सिनेमा के बाहर कि इस फिल्म में एक गंदा सीन है, सारा यूथ इकट्ठा हुआ है कि इस फिल्म में एक सीन है जी, फलानी फिल्म है जी, इस फिल्म में एक सीन है, उसको देखते। और कभी 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 ऐसा सीन मिलता था। आज आपको गंदा सीन देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपनी फेसबुक खोल लो आपको गंदा सीन मिल जाएगा। इसीलिए मैं सोशल मीडिया पे अब नहीं हूं। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती अंत के दिनों में अधर्म बढ़ेगा। जो गंदा सीन लोग सीडी मंगा के देखते थे आज वो फेसबुक ऐसे ऐसे ही खोलते जाओ आपको मिलते जाएंगे। और आपको लगता है कि ये तो आज की दुनिया है, ले नहीं, बाइबल कहती अधर्म बढ़ जाएगा और बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है लास्ट के दिनों में अधर्म बढ़ेगा और प्रेम ठंडा होगा। जब भी शैतान आपको भरमाता है, आपको यीशु मसीह से पीछे लेके जाता है, वो कभी भी एकदम ऐसा नहीं करता, वो धीरे धीरे करता है।
एक छोटा सा काम, एक छोटी सी कमी, उससे वो शुरू करता है। जैसे बोलते हैं ना, तू यार पैर रख ले, अब बैठने की जगह बना लांगे, तू पैर रख ले, हम घर बनाने की जगह खुद ब खुद रख लेंगे, तो बस पैर रख ली वहां, तू हॉल में अंदर एंटर हो जाए मेन हॉल में, बस अपनी बाइबल रख दी, हम बैठने की जगह अपने आप बना लेंगे। ऑनलाइन चर्च उन लोगों के लिए है जो बाहर बैठे हैं, जो बॉम्बे में बैठा है हर संडे नहीं आ पा रहा, जिसकी जिसकी वाइफ आना चाहती है और हस्बैंड बहुत तगड़ा शराबी है, मारता है कूटता है, जो उसको आने नहीं दे रहा, वो अविश्वासी, उन लोगों के लिए ऑनलाइन चर्च है। आपको आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि यहां चर्च में लोग नहीं है? नो, अगर आप पहले मेन हॉल दिखाओ, ओके ओवरफ्लो दिखाओ जल्दी जल्दी से, टाइम नहीं। ये अभी की चर्च है, ये अभी की चर्च है, ये राइट नाउ, ये ओवरफ्लो सेक्शन है, सभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, रुको रुको चल चलने दो, ये सारे ओवरफ्लोज हैं अभी जितने आप देख रहे हो, ये सारे ओवरफ्लो सेक्शन है चर्च के। गुरदासपुर चर्च दिखाओ, हाँ हाँ दिखाओ, सुनो मेरी बात, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको चर्च में लाना चाहता हूं, यहां चर्च ऑलरेडी फुल है, जितने चर्च के सेक्शन हैं आज, जितनी चर्च की ग्राउंड्स हैं, सारी भर चुकी हैं, चर्च के पास जगह नहीं है बिठाने की। लेकिन सुनो मेरी बात, मैं क्यों आपसे कह रहा हूं, बाइबल कहती अंत के दिनों में अधर्म बढ़ जाएगा और बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, और ठंडा ऐसे नहीं कि वो यीशु मसीह का इनकार कर देंगे, मतलब घर में बैठे हैं, हाँ अले आई यार दाल ले आई यार भूख लगी यार, ओ कोई नहीं हले वचन आने वाला चाह तू, हले वर्शिप चल दी कोई नहीं, अब दालें चल रही हैं, परोंठियां चल रही हैं घर पे, अब वचन के टाइम पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, वर्शिप के टाइम पे नाश्ता चल रहा है, बीवी कुकर की सीटियां मार रही है, बेटा नहा रहा है और छोटी बेटी पॉटी कर रही है, ये घरों में चल रहा है, और शर्म आनी चाहिए। ऑनलाइन चर्च उन लोगों के लिए है जिनको पास रियल रीजन है, जो खुदा को कह सकते हैं, परमेश्वर देख मैं दूर रहता हूं, मैं 5000 किलोमीटर दूर रहता हूं, मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं तेरे वचन से दूर नहीं रहना चाहता। उन लोगों के लिए नहीं है, अगर आज रात को इन लोगों को हार्ट अटैक हो जाए, तो रात को 2 बजे अगर हार्ट अटैक हो, 2:15 में ये गाड़ी के अंदर बैठे होंगे और हॉस्पिटल पहुंचे होंगे, लेकिन चर्च के लिए एक ऑटो ढूंढने में इनको 3 हफ्ते लगते हैं, ये ऑटो वाला नहीं मिला। इसलिए परमेश्वर ने कहा अंत के दिनों में, लिखो, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। उसने ये नहीं कहा प्रेम खत्म हो जाएगा, उसने ये नहीं कहा वो यीशु मसीह का इनकार कर देंगे, उसने ये नहीं कहा कि वो यीशु मसीह को भूल जाएंगे, उसने ये नहीं कहा, उसने कहा प्रेम ठंडा हो जाएगा लोगों का। 2030 में चाइना इस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन देश होगा, मालूम क्यों? आपको लगता है अमेरिका होगा, किसी को लगता है ये देश होगा, चाइना इस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन देश होगा। आज अगर संडे है तो मॉर्निंग 4 बजे 3 बजे लोग वो उठते हैं गुफाओं में, जहां 3,000-4,000 लोग गुफाओं में मीटिंग्स करते हैं गुफाओं में, और 5, 6, 7 बजे सुबह तड़के से पहले ही, गवर्नमेंट जागने से पहले ही वहां से फाड़ी हो जाते, खत्म हो जाती मीटिंग। इतना प्यार करते हैं वो परमेश्वर को, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उनको मीटिंग नहीं करने देती, वो सुबह उठते हैं। और वहां अगर आप जाके देखो, जिन लोगों को लगता है कि चाइना में सबसे अधिक अविश्वासी हैं, चाइना में सबसे अधिक नास्तिक लोग हैं, ये सब कुछ झूठ है, ये सारा कुछ मिथ है, ये सच्चाई नहीं। चाइना में जितनी कंपनियां, जितने सीईओ, जितने अमीर लोग, जितने गरीब लोग, हर एक बंदा जितने स्पीड से यीशु मसीह में आ रहे हैं। मैंने कहा 2030 में चाइना इस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन देश होगा, चाइना सबसे बड़ा देश होगा क्रिश्चियन दुनिया का। सुबह उठते हैं, आज मेरे को मैसेज आ रहा था कि हमारा हॉल जो है वो सुबह ही भर चुका है, मीटिंग शुरू होने से घंटों पहले मेन हॉल भर चुका है, ओवरफ्लो भरने शुरू हो चुके। ये निशानी है आप लोगों की जो आप यहां पे मौजूद हो, कि परमेश्वर आपकी लाइफ को छुएगा और काम करेगा आपकी जिंदगियों में, वो आपको भूलेगा नहीं। आप मेरी एग्जाम्पल देख लो, मेरी मेहनत देख लो, और लोग मुझे मूर्ख बोलते थे, यहां तक कि मेरे साथ काम करने वाले दूसरे क्रिश्चियन यूथ मुझे मूर्ख बोलता था कि इसको पैसे की कदर नहीं है, पैसे उड़ाता है यीशु मसीह के लिए, इसको अपनी लाइफ की कदर नहीं है, देखो कैसे रोजे रख रख के शक्ल बिगाड़ ली। लेकिन बाइबल कहती है मेरे प्रिय भाइयों, हियाव बांधो, दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत तुम्हारी कभी व्यर्थ नहीं जाती, वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, यीशु मसीह आपसे कह रहा है, अगर तुम मेहनत करोगे व्यर्थ नहीं होगी तुम्हारी मेहनत। अगर आज तुम चर्च में मौजूद हो, और मैं आपको बता देता हूं, जितनी अनॉइंटेड चर्च होगी, जितनी सामर्थी चर्च होगी,
जितना खुदावन का वचन और मसा वहां काम करेगा, उतना ही शैतान आपको तंग करेगा उस चर्च से दूर करने के लिए। वो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम डाले, वो आपको दिक्कत दे, वो आपका विरोध करे, उसे मालूम है कि ये वही जगह यहां जिसने जहां इसने छुटकारा पाने। इसलिए बाइबल कहती इकट्ठे होना मत छोड़ो। फिर से बोलो, इकट्ठे होना मत छोड़ो। एक भी जन ऐसा नहीं है जो भूखा मरा हो। क्यों? जुगाड़ लगा लेते रोटी का इधर से या उधर से, लेकिन हमें मालूम है संडे हमने खुदा के घर में जाना है, तो क्यों नहीं सोमवार से, कल से हम अपने किराए को, अपने पैसों को, अपने अपने तरीकों को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। लेकिन नहीं, जब हमारे शरीर को जरूरत होती है दवाई की, हम रात को भी हॉस्पिटल चले जाते हैं। लेकिन जब आत्मा को जरूरत है, जिसके जिसके साथ आपका परिवार जुड़ा हुआ है, जिसके साथ आपका फाइनेंस जुड़ा हुआ है, जिसके साथ आपका फ्यूचर जुड़ा हुआ है, उसके लिए हम अलर्ट नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है, फिर से पढ़ेंगे, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। क्योंकि आज आपको आसानी से मिल रहे, अगर आप चाइना में होते हैं और यूट्यूब ना होता और फेसबुक ना होता और आपकी जब चर्च को ऑनलाइन चलने ना दिया जाया होता तो आपको वैल्यू समझ आती। सुबह सुबह वो लोग चर्च में आगे इकट्ठा होते और परमेश्वर की महिमा करते हैं।